सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। और इंग्लिश में हम लेटर सीख रहे हैं, ओके? तो लास्ट वाला लेटर हमने सीखा था लेटर ई। ई से एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ओके? और आज हम सीखेंगे लेटर एफ, लिखना। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर इंग्लिश सी डब्ल्यू बुक एंड ओपन योर बुक। पेज नंबर आपको निकलना है 2222, ओके? जिसपे है लेटर एफ, कैपिटल लेटर एफ, ओके? तो आपको भी मेरे साथ इसी पेज में वर्क करना है, ओके स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखे उसके पहले हम देख लेते कि एफ कैसे होता है, ओके? तो देखो यहाँ पे ये कौन सा लेटर है, एफ, कैपिटल लेटर एफ, ओके? तो कैपिटल लेटर एफ कैसे होता है, चलो देखते हैं हम। यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड देन बीच में स्लीपिंग लाइन, ओके? नाउ अगेन मैं रिपीट करती हूँ, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन, ओके? तो ये क्या बनेगा, कैपिटल लेटर एफ। और एफ से क्या होता है, यस, फिश, ओके? तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एफ सीख रहे हैं और एफ फॉर मैंने क्या बोला अभी, एफ फॉर फिश, ओके? और देखो यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं, ये सारे पिक्चर्स एफ के रिलेटेड है। लाइक फर्स्ट वाला हम देखते हैं, ओके? तो ये फर्स्ट वाला पिक्चर कौन सा है, यस, फ्लावर। तो एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लावर। नाउ नेक्स्ट ये है फ्लैग, तो इसको भी हम बोलेंगे F for flag, F for flag। Now यहाँ पे तो ये क्या है, fan, ओके? तो F for fan होगा, yes, so F for fan, F for fan। Now last वाला picture students, यहाँ पे तो ये क्या है, frog, ओके? So F for frog, F for frog, ओके? तो अभी हम राइट लिखना भी सीखेंगे और साथ ही साथ ये सारे पिक्चर्स जो है वो साथ ही साथ बोलेंगे, ओके? तो देखो यहाँ पे फर्स्ट मैंने आपको दिखाया कि F कैसे लिखा जाता है, ओके? तो आपका जो ये पेज है उसमें ये फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन पूरी ट्रेसिंग नोट्स से दी हुई है, तो ये सारे नोट्स आपको सिर्फ प्रेस करने हैं। सबसे पहले हम करेंगे सिर्फ प्रेस, ओके? तो देखो यार, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कैपिटल लेटर एफ। नाउ अगेन यहां पे हम करेंगे, यहां पे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग, ओके? और स्टूडेंट्स, आपको ये खास ध्यान रखना है कि आपकी बुक में ये जो ट्रेसिंग वाला दिया है वो आपको कंपलसरी ट्रेस करना ही है, उसके बाद ही राइट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कंपलसरी ट्रेस करना है, ओके? नाउ अगेन हम यहाँ पे करेंगे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग लाइन, ओके? और आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है, आपकी जो ट्रेसिंग लाइन है वो बिल्कुल यहाँ पे इसके डॉट्स के ऊपर ही आपकी पेंसिल चलनी चाहिए, ओके? धीरे धीरे करो तो अच्छे से वर्क होगा। ऐसा नहीं कि आपने फटाफट कर दिया, बस करने की खातिर ही नहीं करना है, आपको सीखना है। जो आप लिख रहे हो वो आपको अच्छे से सीखना है, बाय हार्ट कर लेना है, ओके? नाउ अभी हमने फर्स्ट लाइन जो ट्रेस की है वो कंप्लीट कर ली, उसके बाद ही आपको लिखना स्टार्ट करना है कंपलसरी, ओके? तो चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हमने ट्रेस क्या किया था, स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन एंड देन बीच में स्लीपिंग लाइन। सो कैपिटल लेटर एफ, एफ फॉर फिश, F for fish, ओके? यहाँ पे हम करेंगे स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन एंड देन बीच में स्लीपिंग लाइन।
ओके। और फिर ये जो बीच वाली लाइन है उसमें आपको फिर से स्लिपिंग लाइन करनी है, सेकेंड वाली लाइन में सिर्फ आपको इतना ही करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट लाइन हम करेंगे, तो देखो यार सबसे पहले हम करेंगे स्लिपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन और फिर से स्लिपिंग लाइन। सो ये बन गया एफ, कैपिटल लेटर एफ, एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फ्रॉग। ओके, देखो मैंने कितनी लाइन में किया, ये वन, ये टू और ये थ्री, थ्री लाइन में ही मैंने लाइन की है ना। नाउ अगेन यहाँ पे स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड अगेन स्लिपिंग लाइन। सो एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लावर। हाँ यहाँ पे हम करेंगे अगेन, तो यहाँ पे हम करेंगे पहले स्लिपिंग लाइन, फिर करेंगे हम स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे फिर से हम करेंगे स्लिपिंग लाइन। सो एफ फॉर फ्लैग, एफ फॉर फ्लैग। अभी लास्ट वाला स्टूडेंट्स, ओके, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? यस, वेरी गुड, स्लिपिंग लाइन। और स्लिपिंग लाइन के बाद हम क्या करेंगे? यस, स्टैंडिंग लाइन। और स्टैंडिंग लाइन के बाद हम करेंगे यहाँ पे बीच वाली लाइन।